बेहद 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 एक्साइटेड हैं किसी का भाई किसी की जान के लिए. ऑल्सो हैपेंस टू बी कि हम मूवी में भी हैं, हम इसलिए भी एक्साइटेड हैं. पर अगर हम नहीं भी होते तो भी हम एक्साइटेड होते क्योंकि ट्रूली द ट्रेलर इज़ सो गुड. और इट्स सलमान सर फिल्म आफ्टर 4 ईयर्स थिएटर्स में, तो आई थिंक पूरा देश ही एक्साइटेड है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. जी मैं वैसे तो बोल दिया सब कुछ, बट ये पहली बार मौका मिला सलमान सर के साथ काम करने का. और कोई भी फिल्म हो, जब भी फिल्म आनी होती है तो एक्साइटमेंट ज़रूर होती है, क्योंकि उस टाइम आपका काम लोगों तक पहुंचना होता है, लोगों ने देखना होता है आपका किया हुआ काम, और इतने टाइम की मेहनत है. अभी जाके रिलीज़ हो रही है तो आप देख के आइए और अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए हमारी फिल्म के बारे में. आई थिंक मुस्कान बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है मुझसे. आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बहुत ही ज़्यादा फन है. बट मो जसी से बहुत ज़्यादा अलग है. मैं तो बताएगी. ओके, सो मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस फिल्म में मैं पहली बार इतने मतलब टाइम से मैंने कभी किया ही नहीं था, इतने टाइम से किया ही नहीं था एक्शन कर रहा हूँ, और पहली बार एक्शन करते हुए देखेंगे मुझे. और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ और था. बहुत अच्छा एक्शन किया. और पहली बार कर रहा था तो बहुत डरा हुआ था, बट जब एक आधा दिन निकला तो मतलब इतना मज़ा है कि मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी कोई नेक्स्ट फिल्म भी कोई एक्शन वाली मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा. दोनों चीज़ें थी. सलमान भाई मतलब पहले तो मुझे ये था, क्योंकि एक किस्सा ऐसे ही है कि जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने पूछा कि स्क्रिप्ट है तो मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं डायलॉग याद कर लूँ, मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ये था सलमान सर के सामने जाना है और डायलॉग अच्छे से याद हो जाए. तो मुझे बोले स्क्रिप्ट तो नहीं है, तो मैंने बोले सेट पर आओ, वहाँ पर बताएँगे क्या करना है. तो मैं सेट पर गया, वहाँ पर एक्शन शूट हो रहा था मेरे पहले दिन ही. तो वो उस चीज़ की वजह से मैं, क्योंकि पहला दिन हमेशा कोई भी चीज़ कर रहे हो थोड़ा दिल में ऐसा चलता है कि पता नहीं कैसा होगा, अच्छा हो जाए, पहला दिन है, तो वो चीज़ ज़रूर थी. बट जब पहले दिन थोड़ा किया तो उसके बाद थोड़ा लगा कि यार हाँ ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए. और जब भी कोई डिफरेंट चीज़ करने को मिलती है तो थोड़ा खुद को भी ऐसे होता है कि ये करना है तो करेंगे, तो एक अलग सी एक बूस्ट दे के जाती है, अपने आप को कॉन्फिडेंस दे के जाती है कि अगर ये किया है तो आगे भी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे. बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक सलमान सर जो भी उनको जानते हैं कि ऐसे टाइप के इंसान हैं कि वो एक इंसान को बहुत अच्छे से फ़र्क सकते हैं, तो उनको पता चल जाता है जब कोई नाटक कर रहा है या कोई एक्टिंग कर रहा है इम्प्रेस करने की, उनको सब पता चल जाता है. तो अगर मैं कुछ करती ना उनको इम्प्रेस करने के लिए तो आई थिंक उनको मुझसे नफरत होती. उनको बस वो लोग पसंद है जो बस अपने जैसे वो हैं, जो बस अपने दिल से सोचते हैं और अपने दिल से बोलते हैं और अपने दिल से जीते हैं. इतनी दुनिया को मिले हुए हैं वो, इतने लोगों को मिल चुके हैं अभी तक, तो इतना मिलने के बाद तो मुझे लगता है वैसे ही बंदे को पता चल जाता है कौन दिल से है, कौन दिमाग से, कौन बन रहा है, तो मतलब पता चल जाता है. वैसे ही वो बहुत ऑब्जर्व करते हैं सबको बैठ के, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है. जैसे आप भी पंजाबी फिल्म में अच्छा खासा पकड़ लेते हैं जी, बहुत ज्यादा वहां पर प्यार मिला है. जब यहां पर आते हैं तो शहनाज बजाते हैं जिनके साथ पंजाबी में गला भी कर सकते हो. हां जी, कितना कंफर्ट होता है ये ना. मैं ये मुझे बहुत लोग बोलते थे पहले, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं बॉम्बे आता रहता हूँ, तो जो यहाँ पे बॉम्बे में रहते हैं पंजाबी, जब कोई ना कोई ऐसे मिलता था वो हमेशा मुझे ये बोलते कि यार पाजी बड़े चंगा हुआ है तुसी मिल गए, पंजाबी गल करन मिलूँ नहीं, वरना सानू पंजाबी गल करन नहीं मिलती हैगी. सो शहनाज के साथ भी मेरा ऐसे ही है, क्योंकि हमारा सेट पर हमारी पंजाबी ही चलती थी, मतलब ऐसे हुआ ही नहीं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं. तो कई बार मेरा ये है कि अगर आगे से कोई हिंदी में बात करे तो हिंदी निकलती है, अगर आगे से किसी ने पंजाबी बोल दी तो पंजाबी तो ऐसे निकलती है कि साथ ये भूल जाते हैं कि साथ में कोई समझने वाला कि इसको अच्छा दोबारा तो मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ क्या बोल रहा था मैं. तो ये चीज़ है. और शहनाज के साथ ये बहुत अच्छा रहा कि हम पंजाबी में बहुत सारी बातें कर सकते थे वहाँ सेट पर. पंजाब और यहाँ के देखो, वहाँ की इंडस्ट्री अभी तो, चलो मैं नई तो नहीं बोलूँगा, अभी तो बहुत टाइम होगा, बट ग्रो कर रही है इंडस्ट्री. वो वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑडियंस है उनके लिए फिल्म बनाई जाती है,
और यही है कि अभी टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा तो वो इंडस्ट्री, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वहाँ पे, बहुत नए नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले। बॉलीवुड पुरानी इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े बजट होते हैं और एक चीज़ को आप बहुत बड़ा दिखा सकते हैं, और जहाँ पे सिर्फ पैसे के साथ ही बड़ा दिखाया जा सकता है, वहाँ पे थोड़ा ऐसे है कि कॉन्सेप्ट ऐसे लिए जाते हैं जिसमें उनको थोड़ा ऐसे रहता है कि इससे रिकवरी भी हो जाए, पैसे भी पूरे हो जाए। तो बट ये है कि अभी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे पंजाबी फिल्में आनी शुरू हो गई हैं, ऑडियंस भी बढ़ रही है, अभी बाहर के लोगों ने भी, पंजाब के बाहर भी पंजाबी फिल्में लगनी शुरू हो गई हैं, तो जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है पंजाबी इंडस्ट्री का। आई डोंट थिंक सलमान सर इज़ लाइक, उनके कोई भी कैरेक्टर की तरह नहीं है आई थिंक, इसलिए यू नो अगर आपको लगता है कि सलमान सर 100 out of 100 है इन एक्टिंग, वेन यू जब आप उनको सच में, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा है कि वो कैसे हैं बिग बॉस में, वो सब उनका कोई कैरेक्टर वैसे नहीं होता है तो आई थिंक वो बहुत ही लाइक, अगर आपको लगता है वो 100 एक्टर हैं तो वो 300 एक्टर हैं, क्योंकि जो यू नो जो बबली पर्सनैलिटी एंड ऑल, ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ अ वेरी मतलब स्टोइक, एकदम काम, कंपोज्ड, वन वर्ड, मोनोसिलेबिक, यू नो एक वर्ड इम्पैक्टफुल होगा काइंड ऑफ अ पर्सन। पर नहीं, पर उनका एक कैरेक्टर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इज़ आई थिंक ही इज़ द क्यूटेस्ट एंड द मोस्ट इनोसेंट इन मैंने प्यार किया, यू नो, तो आई मीन आई वुड डाई टू सी सलमान सर लाइक दैट अगेन, बट आई थिंक आई हैव टू पे क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी कि सलमान सर, आई टेल सलमान, आई मीन एक बार मैं जब बिग बॉस में गई थी, मैंने उनको बोला था उइमा बोलो फॉर माई ओन किक, और उन्हें बोला था उइमा, बट आई थिंक दैट्स द क्लोजेस्ट ही एवर कम टू बींग लाइक हिज ओल्ड सेल्फ अगेन, बिकॉज ही इज इवॉल्व्ड इन टू द मेगा स्टार दैट ही इज टुडे, तब वो बहुत यंग भी थे, तो बट यार दोज आर माई फेवरेट मूवीज, आई मीन बेबी। मैं सलमान सर को नो, सलमान सर इज़ लाइक आई डोंट, इट्स लाइक इफ समबडी आस्क्स यू कि वुड यू वांट टू, यू नो इट्स लाइक आई सी हिम विद सो मच रिस्पेक्ट, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती बीइंग ऑपोजिट हिम, दैट्स क्रेजी टू माय ब्रेन। जैसे आपने देखा है कि ह्यूज स्टार कास्ट है, तो ऐसा काम करते हो, ऐसा आपकी काम कभी आपको ऐसा लगा कि यार सिद्धार्थ का मेरे को रोल मिलना चाहिए या फिर राघव का भी कैरेक्टर अच्छे से कर लेना, या फिर बोला आपको ऐसा भी लगा कि मीनिका का मैं आपको सच सच बताती हूँ, मैं आपको डिप्लोमेटिक आंसर दे भी नहीं रही हूँ, ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सलमान सर ने हम सबको हैंड पिक करके चूज़ किया था अकॉर्डिंग टू आर पर्टिकुलर कैरेक्टर, और जस्सी का कैरेक्टर सिर्फ जस्सी निभा सकता है, क्योंकि ही उनके दिमाग में जस्सी था जब उन्होंने ये कैरेक्टर के बारे में सोचा, उनके दिमाग में शहनाज थी जब शहनाज कास्ट हुई, उनके दिमाग में मैं थी जब मैं कास्ट हुई, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कास्टिंग हुई है, इसे हम एक दूसरे का रोल नहीं निभा पाते, और इसमें स्पेशली उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि आपको कुछ करने की, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो आप हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे जैसे मैं और शहनाज पंजाब से हैं तो हमारी हिंदी में थोड़ा बहुत पंजाबी टच आ जाता है कभी कभी, तो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे चलेगा, क्योंकि वो एक, मैं यहाँ पे रिवील तो नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक 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 पर्टिकुलर चीज़ है जिसके लिए वो उन्होंने बोला कि आप ऐसी रहो कि जैसे आप हो, तो मतलब अच्छा, बस 4 दिन में पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम बचा है अभी। जैसे आप डेब्यू कर रहे हैं ह्यूज मेगा स्टार सलमान खान के साथ, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी उनकी आपको पसंद आई है काम करते वक्त, कि जो आप क्वालिटी अपनी करियर के साथ हमेशा रखना चाहिए? आप बोलो कि उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें पसंद नहीं आई है? हमने सिर्फ एक कॉन्जुमेट प्रोफेशनल देखा है जो टाइम पे आता है, हम सबके पहले आता है, इवन दो हम सबसे, हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते, वो ही इज़ बॉलीवुड, और वो फिर भी हम सबसे जल्दी आते हैं, वो तभी भी आते हैं जिस दिन उनके शॉर्ट्स नहीं होते थे, यू कुड से कि वो प्रोड्यूसर इसलिए आते हैं, पर नहीं, वो इसलिए आते हैं ये देखने कि क्या काम हो रहा है, बच्चों को कोई हेल्प चाहिए, वो इस प्रकार के इंसान हैं, उनको डेंगू होता है, लोगों को लगता है 2 हफ्ते तैयार रेडी होने के लिए, सेट पर आने के लिए, मेंटली प्रिपेयर, वो 3 दिन में सेट पर आते थे और आके काम करते थे, आके एक्शन शूट करते थे, यू नो ऐसा, आई मीन ये सारी चीज़ें हर किसी के जहन में रहनी चाहिए उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए, अगर उनको स्टार बनना है तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मामा ने फिल्म देखी, आपने क्या उनको कुछ दिखाया कुछ पार्ट्स? उन्होंने थोड़ी बहुत देखी है, पर मम्मी को एक्चुअली थिएटर्स का इंतज़ार है। जैसे वाटर पंप
मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्टार बन के भी इतना ग्राउंडेड रहना, और दूसरी चीज़ जितना प्यार वो अपनी फैमिली को करते हैं, वो बहुत ही फैमिली को भी और दूसरे लोगों को भी जो उनके साथ काम करते हैं, जैसे उन्होंने हमें रखा, मतलब उनको पता है कि सामने वाले बंदे को कैसे ट्रीट करना है, तो वो चीज़ बहुत मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ जैसे उन्होंने मुझे रखा फिल्म के दौरान। और जितने मतलब इतना बड़ा आपका स्टारडम हो, इतने लोग आपको आइडल मानते हो, इतने लोग प्यार करते हो, और फिर भी आप इतने हम्बल हो के, और जैसे मैं स्पेशली मैंने सबको जाके ये बात बताई कि मुझे ये था कि सलमान सर सेट पे आएंगे तो मतलब ऐसे हो गए सलमान सर सेट पे आए, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई, शॉर्ट्स पहना हुआ, चप्पल पहनी हुई पैरों में, और वो सेट पे आ रहे हैं, और मतलब आपको ऐसे। पता है वो इतने हम्बल हैं, वो अपने लाइक यू थिंक वो इतने बड़े स्टार हैं, इतना पैसा है, इतना ये है, इतना वो है, उनके कभी कभी जूतों में भी होल होता हाँ है, वो मैं वही चेंज बताना नहीं चाहता है, करते। उनके एक जूते हैं लेदर शूज़ जो वो हमेशा पहन के रखते हैं, वो फटे हुए हैं, और वो पहन के वो शूट भी कर देते हैं, और मतलब मैं मुझे सबसे ज़्यादा मैं कंफर्ट इसमें कंफर्टेबल इसमें फील करता हूँ, मैं इसलिए इसको पहनता हूँ, मतलब ऐसे भी है।